हेलो दोस्तों, आज हम लोग मिडिल क्वार्टर रूल के बारे में जानेंगे कि मिडिल क्वार्टर रूल क्या होता है और कैसे फाइंड किया जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। मिडिल क्वार्टर रूल फॉर सर्कुलर सेक्शन। मिडिल क्वार्टर रूल फॉर सर्कुलर सेक्शन। कंसीडर अ सर्कल ऑफ डाया कैपिटल डी एन। ये एक मेरा सर्कल हो गया जिसका डायमीटर कैपिटल डी हो गया। इसको हम लोग जो सेंटर में मेरा बनेगा लास्ट में जो फिगर, उसको हम लोग कोर या कर्नल भी कहते हैं। तो हम लोग एक जनरल सॉल्यूशन देखे थे एसेंट्रिसिटी और सेक्शन मॉडुलस के रिलेटिव। जनरल सॉल्यूशन थे मेरा ई लेस देन इक्वल टू जेड बटा ए, तो उसका हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे और मिडिल क्वार्टर रूल आसानी से रिलेट कर सकते हैं उससे। तो सर्कल है तो हम लोग जानते हैं कि सर्कल एक सिमेट्रिकल फिगर है और सिमेट्रिकल फिगर का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होता है आई एक्सिस के लॉन्ग और आई वाई वाई के लॉन्ग। इसीलिए यहाँ पर ई एक्सिस और ई वाई वाई भी इक्वल होगा, और क्योंकि आई एक्सेस और आई वाई भी इक्वल है तो हम लोग नो टेंशन जोन के लिए कंडीशन देखे थे कि ई लेस देन इक्वल टू जेड बटा ए था। नो टेंशन जोन के लिए कंडीशन था ये। तो उसके मदद से हम यहाँ पर देखेंगे कि ई एक्स एक्स लिख सकते हैं ई एक्स एक्स लेस देन इक्वल टू जेड एक्स एक्स बटा ए। तो जेड एक्स एक्स बराबर लिख सकते हैं आई एक्स एक्स बटा वाई बटा ए, और आई एक्स एक्स हम लोग जानते हैं कि पाई बाई 64 कैपिटल डी के पावर 4 होगा, और वाई हो जाएगा डी बटा टू, और एरिया हम लोग जानते हैं कि पाई बाई 4 डी स्क्वायर होता है। तो वहाँ से हम लोग कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा ई एक्स एक्स लेस देन इक्वल टू डी बटा ए, जो कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डी बटा 8 सेक्शन को। ये एक्स एक्स सेक्शन हो गया और ये मेरा वाई वाई सेक्शन हो गया, ये एक्स एक्स सेक्शन हो गया। तो सेंटर से हम लोग इस सेंटर से डी बटा 8 ऊपर जाएंगे, डी बटा 8 नीचे जाएंगे, डी बटा 8 लेफ्ट और राइट जाएंगे, फिर इसको मिलाएंगे। तो जो मेरा सेक्शन बनेगा उसको हम लोग कोर और कर्नल बोलते हैं, कोर और कर्नल। तो इसको हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव में स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे आता है, उसको हम लोग देखते हैं ज़रा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल फॉर अ सर्कुलर सेक्शन इसेंट्रिसिटी शुड बी सच दैट नो टेंशन कंडीशन शुड बी अराइज आफ्टर कैलकुलेशन द इसेंट्रिसिटी कम्स आउट टू मिडिल क्वार्टर ऑफ द डाया। तो इसको हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में देख लिया, मिडिल क्वार्टर क्या होता है ये भी देख लिए। मिडिल क्वार्टर रूल से हम लोग इसेंट्रिसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं सर्कुलर सेक्शन का। तो आज इतना ही लाइन देते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे वीडियो का नया अपडेट आपको सबसे पहले मिले।